नमस्कार मैं हूं आइए हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती पेट्रोल उत्पादों में लगातार महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को दीपावली के पहले कुछ राहत मिल गई है बता दें बुधवार को दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा की है बता दें केंद्र की घोषणा के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी गुरुवार से क्रमशः पाँच रुपये और दस रुपये कम हो गया है पेट्रोल की तुलना में डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी दोगुनी होगी बता दें राजधानी रांची में बुधवार को पेट्रोल एक सौ जबकि डीजल एक सौ थी वहीं घोषणा के बाद पेट्रोल की कीमत घटकर अंठानबे रुपये और डीजल की घटकर इक्यानवे रुपये हो गई मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले पाँच दिनों तक मौसम साफ़ रहेगा छः से सात नवंबर तक रांची का मौसम शुष्क रहेगा आकाश बिल्कुल साफ़ रहेगा बता दें मौसम विभाग के अनुसार तापमान में दो डिग्री की गिरावट होगी इससे ठंड में बढ़ोतरी होगी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले पाँच दिनों तक मौसम साफ रहेगा झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर के मौके पर इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है आपको बता दें कि सरकार भी 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कोई विशेष समारोह आयोजित नहीं कर रही है विधानसभा स्थापना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ विधायक और उत्कृष्ट सेवा के लिए तीन कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा बता दें झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को है जबकि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को है दिवाली पर मिलावट खोरों के खिलाफ जांच अभियान दिवाली पर मिलावटी मिठाइयों की बिक्री करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बुधवार को जांच अभियान चलाया मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए मिठाइयों की गुणवत्ता तेल की क्वालिटी साफ सफाई बेस्ट बिफोर डे फूड लाइसेंस मास्क ग्लव्स और कैंप की चेकिंग की गई इस दौरान मानक का उल्लंघन करने पर पांच होटल संचालकों पर नब्बे हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया एक सप्ताह में जुर्माना भरने के साथ ही लिखित में जवाब और सुधार के लिए दुकानदार क्या करेंगे इसकी जानकारी एस कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया जे पी एग्जाम जनवरी में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से चार सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जनवरी 2022 में ली जाएगी ज्ञात हो कि कुल दो पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में बयालीस अभ्यर्थी का चयन किया गया है बता दें प्रारंभिक परीक्षा में दो लाख अड़तालीस हजार आठ सौ सात अभ्यर्थी शामिल हुए थे मुख्य परीक्षा में नौ सौ पचास अंक के कुल छः पेपर होंगे पेपर वन सौ अंक का होगा वहीं पेपर टू में डेढ़ सौ अंक लैंग्वेज व लिटरेचर का होगा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू सहित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा आदि विषय की परीक्षा में शामिल होना होगा झारखंड के थानों में पैतालीस हजार मामले लंबित राज्य के थानों में पैतालीस हजार लंबित मामले हैं बता दें अनुसंधान लंबित होने के कारण ट्रायल नहीं हो पा रहा है जिनका अनुसंधान पूरा हो गया है उनका ट्रायल लंबित है ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कांड का निष्पादन और त्वरित अनुसंधान पूरा करने का निर्देश सी के ए प्रशांत सिंह ने दिया है बता दें ए ने रेंज के डीआईजी से कहा है कि अनुसंधान में आ रही दिक्कतों का समाधान करें जहां स्थानांतरण पदस्थापन के चलते केस का चार्ज नहीं दिए जाने से अनुसंधान बंद है वहां तत्काल चार्ज दिलाने की व्यवस्था करें मनरेगा योजनाओं में अब नहीं होगी फर्जीवाड़ा मनरेगा योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए जी एस एस सिस्टम को अपनाए जाने की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप दिया जाना शुरू कर दिया गया है इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब सही योजना सही स्थल और सही लाभों का चयन किया जा सकेगा बता दें बुधवार को मनरेगा आयुक्त रायश्वरी बी ने इस संदर्भ में यू के सदस्य एवं प्रोजेक्ट ऑफिसर के साथ वर्चुअल बैठक की बैठक में उन्होंने मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए जी प्रक्रिया संचालित करने की बात कही ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए विशेष कैंप असंगठित मजदूरों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए झारखंड प्रदेश के सभी प्रखंडों में कैंप लगाया जाएगा बता दें बुधवार को मनरेगा आयुक्त श्रीमती रायश्वरी बी ने इससे संबंधित दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए बैठक में संयुक्त श्रम कमिश्नर डी के सिंह शंभु कुमार स्टेट ऑफिसर सीएससी सी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त ने कहा कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराए अक्टूबर में छब्बीस करोड़ जुटाने में कामयाब रहा वाणिज्य कर विभाग कोविड की पामादी हटने से उत्साहित आम जनता ने बढ़ती महंगाई के बावजूद खरीदारी में कोताही नहीं की है जिसका प्रत्यक्ष लाभ बढ़े राजस्व संग्रह के रूप में राज्य सरकार को मिला है बता दें अक्टूबर माह के कलेक्शन ने बीते तमाम महीने को पीछे छोड़ दिया है अक्टूबर में वाणिज्य विभाग छब्बीस करोड़ जुटाने में कामयाब रहा है जो कि अब तक का सर्वाधिक है प्रारंभिक शिक्षकों के प्रमोशन सेवा संपुष्टि पर हुई चर्चा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में प्रारंभिक शिक्षकों से जुड़े हितों पर विस्तार से चर्चा की गई सचिवालय में हुई इस बैठक में सभी जिलों में ग्राउंड रिपोर्ट की स्थिति की समीक्षा की गई जिसमें शिक्षकों के प्रमोशन सेवा संपुष्टि वर्षों से निलंबित शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई दिवाली की तरह संथाल आदिवासी भी मनाते हैं पंच पर्व झारखंड में आदिवासियों की बड़ी आबादी है बोकारो शहर में भी 12 फीसद से अधिक संथाल आदिवासी रहते हैं बता दें एक ओर दिवाली का उत्साह पुरजोर है तो दूसरी ओर संथाल आदिवासी सोहराय पर्व की खुशियाँ में डूबे हैं गुरुवार को दीपावली के साथ ही आदिवासियों के सोहराय पर्व की भी शुरुआत हो गया बता दें इस दौरान प्रकृति व गौ माता की पूजा आदिवासी करते हैं आदिवासियों को सनातन धर्म से अलग बताने की आवाजें उठ रही है मगर अवलोकन करें तो पता चलेगा कि दोनों की परंपराएं एक दूसरे के काफी करीब हैं धार्मिक रीति रिवाज भी प्रकृति पूजा से जुड़े हैं झारखंड के 31 विभागों में होगी सीधी भर्ती तीन लाख पद हैं खाली झारखंड सरकार के 34 विभागों में 31 प्रमुख विभागों में राज्य में कुल स्वीकृत पदों की कुल संख्या तीन लाख एक हजार एक सौ है जिसमें से संतावन हजार एक सौ बयासी पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं जबकि दो लाख चौवालीस हजार सोलह पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं यह तथ्य तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को अध्ययन के दौरान उपलब्ध कराया गया बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कई अनुशंसा की है समिति का गठन सरकार की सेवाओं और पदों के अधीन प्रोन्नति प्रशासनिक दक्षता और क्रीमी लेयर में एस और एस के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था <गण> एन एम सहित कई पदों पर नौकरी झारखंड में ए एन एम जीएनएम स्टाफ नर्स बी डी एम फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर दो सौ तिहत्तर वैकेंसी हैं बता दें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हो रही इस भर्ती के लिए अधिसूचना जिला स्वास्थ्य समिति रांची ने जारी की है नोटिस में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ए एन एम जी एन एम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन प्रखंड डाटा प्रबंधक काउंसलर फार्मासिस्ट सहित अन्य पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2021 है आवेदन डाक पोस्ट स्पीड पोस्ट या ईमेल के जरिए असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची के कार्यालय भेजना है कोविड टीका न लेने वाले पंचायत चुनाव लड़ने से होंगे वंचित कोरोना का टीका न लेने वाले झारखंड में पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी से वंचित किए जा सकते हैं मतदान के लिए भी टीकाकरण को जरूरी शर्त बनाया जा सकता है बता दें इस पर सरकार विचार कर रही है राज्य में आगामी दिसंबर जनवरी में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव कराए जाने के आसार हैं राज्य में पंचायतों के कार्यकाल एक साल पहले ही खत्म हो चुके हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार से डीजल पेट्रोल पर राज्य की ओर से लगाए जाने वाले वैट की दरें घटाने की अपील की है उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी है इसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी तत्काल पहल करनी चाहिए गुरुवार को जारी बयान में रघुवर दास ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता की परेशानियों को समझते हुए दीपावली की पूर्व संध्या पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का बड़ा फैसला लिया है